वीडियो इज पावर्ड बाय किका एचआर। वेलकम टू रीचैनल दी आई एम गाय माय डियर फ्रेंड्स। आज का वीडियो एक बहुत ही इमर्जिंग फील्ड को लेकर है जिसमें बहुत पैसा है और तरह तरह के अच्छे कॉलेजेस, प्राइवेट कॉलेजेस नहीं, मतलब कॉलेजेस लाइक द टॉप आईआईएम्स आर गिविंग देयर एमबीए डिग्रीज इन दिस इमर्जिंग फील्ड बिकॉज इसमें बहुत डिमांड है। और इसी को देखते हुए, डिमांड को देखते हुए, कॉलेजेस बोल रहे हैं, अच्छे अच्छे कॉलेजेस, कि हम इस फील्ड में एक नया एमबीए बनाएंगे। जैसे एचआर में एमबीए बना, पहले एमबीए था फिर एचआर में एमबीए बना, एक्सेलरेटर तो देता था, पर फिर 2000 के बाद एचआर में अच्छे अच्छे कॉलेजेस एमबीए देने लग गए, जैसे एमडीआई गुड़गांव, एग्जाय एमबी, ठीक है। उसी तरह अभी जो कॉलेजेस एक फील्ड में एमबीए दे रहे हैं वो है बिजनेस एनालिटिक्स, वो है एनालिटिक्स। एनालिटिक्स क्यों इतना डिमांड में आ गया अचानक से? मैंने बहुत बार अपने वीडियोज़ में बोला है और जो लोग मेरे वीडियोज़ देखते हैं वो जानते हैं कि दो फील्ड्स बहुत इमर्ज हो रहे हैं अभी 2010 के बाद, और वो है प्रोडक्ट मैनेजमेंट एंड डेटा साइंस। डेटा साइंस एक्चुअली एनालिटिक्स का एक बहुत ही उभरा हुआ रूप है, मतलब इवॉल्व्ड रूप है। डेटा साइंस इज नथिंग बट एनालिटिक्स इन अ वेरी इवॉल्व्ड वे, दैट्स माय अंडरस्टैंडिंग ऑफ डेटा साइंस। एनालिटिक्स तो वही है कि आप डेटा को एनालाइज करते हो अलग अलग सॉफ्टवेयर टूल्स के द्वारा और फिर आप उससे बिजनेस डिसीजन लेते हो, ठीक है। लेकिन जब आप उस डेटा को एनालाइज करके एक एल्गोरिथम बनाओ, कैसा एल्गोरिथम, मैं आपको सिंपल वर्ड्स में बताता हूँ। आप यूट्यूब देख रहे हो, आपने अभी मेरा वीडियो देखा, आपको मेरा वीडियो अगर आपने सर्च नहीं किया है तो आपको मेरा वीडियो ब्राउज फीचर से दिखाया गया, मतलब आप सर्च कर रहे थे, सर्व कर रहे थे, अचानक से मेरा थंबनेल आ गया, आपने उस पर क्लिक किया, ठीक है। तो किस आदमी को मेरा वीडियो दिखाना चाहिए? अभी हर कोई तो मेरा वीडियो नहीं देख रहा, जो लोग देख रहे हैं वो या तो सब्सक्राइबर या नॉन सब्सक्राइबर्स है, पर किनको मेरा वीडियो दिखाए, मतलब शो किया जाना चाहिए, कब शो किया जाना चाहिए, कौन सा वीडियो शो किया जाना चाहिए, ठीक है, और मेरा वीडियो शो किया जाना चाहिए या किसी और कॉम्पिटिटर का वीडियो शो किया जाना चाहिए जो एमबीए में और और सारे क्रिएटर्स जो वीडियो बना रहे हैं। ये सब कुछ एल्गोरिथम ही डिसाइड करता है, यूट्यूब का एक एल्गोरिथम है। कई बार आप सुनते होंगे हाउ टू क्रैक यूट्यूब एल्गोरिथम, ये एल्गोरिथम बनाता कौन है? ये एल्गोरिथम एक डेटा साइंटिस्ट बनाता है। तो आप सोचो कि पूरा का पूरा यूट्यूब का बिजनेस कैसा चलेगा, वो इस एल्गोरिथम पर डिपेंड करता है, वो इस एल्गोरिथम पर डिपेंड करता है। और इसका पूरा ये पूरा मतलब ये एनालिसिस कि कब कौन सा वीडियो आना चाहिए, क्यों आना चाहिए, उस वीडियो में क्या खूबी होना चाहिए, किस क्रिएटर का आना चाहिए, ये सब एक एल्गोरिथम से बन रहा है। मतलब बहुत सारा डेटा एनालाइज होकर अपने आप मशीन में जा रहा है, मशीन लर्निंग इसे कहते हैं। ये डेटा साइंटिस्ट करता है, ये एमबीए एनालिटिक्स करके लोग बनते हैं जब उन्हें अच्छा एनालिटिक्स का प्रोफाइल मिले। शुरू में आपको एनालिटिक्स का प्रोफाइल मिलेगा, पर धीरे धीरे जब आपको ये इस लेवल का काम मिलेगा तो वो डेटा साइंटिस्ट हो गया। तो इस वीडियो में दोस्तों मैं आपको बताने वाला हूँ कि कौन से टॉप 5 कोर्सेज हैं फॉर एमबीए इन एनालिटिक्स / डेटा साइंस, ठीक है। इनमें इन 5 में से 4 कॉलेजेस तो एमबीए कॉलेजेस हैं, लेकिन जो रैंक वन है एनालिटिक्स का, वो एक एमबीए कॉलेज नहीं है दोस्तों। मैं सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है, आई एम रैंकिंग द टॉप 5 कोर्सेज फॉर अ मास्टर्स / एमबीए इन एनालिटिक्स और डेटा साइंस, ठीक है। क्यों मैंने आपको बता दिया, एनालिटिक्स का ही इवॉल्व रूप डेटा साइंस है। लेकिन आपको बता दूं कि जो नंबर 1 कॉलेज इंडिया में अभी है फॉर एनालिटिक्स और डेटा साइंस, दैट इज़ नॉट एन एमबीए कॉलेज, वो है आईएसआई दिल्ली। आईएसआई दिल्ली बहुत टाइम से एमए इन क्वांटिटेटिव इकोनॉमिक्स का कोर्स दे रहा है, यहाँ पे 20 लाख से ज़्यादा का पैकेज है, एडमिशन बहुत टफ है, इनका खुद का एंट्रेंस टेस्ट होता है, पर जो लोग यहाँ पे जाते हैं ना उन्हें इंडिया में बेस्ट प्रोफाइल्स मिलते हैं डेटा साइंस का या फिर एनालिटिक्स का। बहुत सारे अच्छे अच्छे बैंक्स, बहुत सारे अच्छे अच्छे फॉरेन बैंक्स और बहुत सारे अच्छे अच्छे एफएमसीजी कंपनीज अपनी कंपनीज में ये एनालिटिक्स के प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए बच्चों को यहाँ से सीधा उठाती है और 20 लाख से ज़्यादा का फिक्स पैकेज देती है। आईएसआई दिल्ली इज़ द नंबर 1 कॉलेज फॉर एमबीए इन एनालिटिक्स इन इंडिया, फॉर मास्टर्स इन एनालिटिक्स इन इंडिया, ठीक है। लेकिन उनका कोर्स है एमए इन क्वांटिटेटिव इकोनॉमिक्स, ठीक है। जो सेकेंड बेस्ट कोर्स है इंडिया में फॉर एनालिटिक्स, वो एक्चुअली एमबीए इन एनालिटिक्स है, वो है PGDBA पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन बिजनेस एनालिटिक्स बाय IIM कलकत्ता। लेकिन IIM कलकत्ता के इस कोर्स में 3 कॉलेज से आपको एनालिटिक्स का एमबीए मिलता है और उन 3 कॉलेज में से एक कॉलेज है आईएसआई दिल्ली। अगर आप IIM कलकत्ता का PGDBA कोर्स करते हो, एनालिटिक्स का जो एमबीए कोर्स है, इसमें IIM कलकत्ता, आईएसआई दिल्ली और IIT खड़गपुर, दोस्तों देखो तीनों दिग्गज कॉलेजेस, एमबीए का दिग्गज कॉलेज IIM कलकत्ता, डेटा साइंस का दिग्गज कॉलेज जो मैंने रैंक वन दिया आईएसआई, और IIT खड़गपुर जो कि IIT का दिग्गज कॉलेज है, ठीक है। ये तीनों मिलके आपको एनालिटिक्स का एमबीए दे रहे हैं, तो दिस इज़ गोना बिकम बेटर देन आईएसआई दिल्ली इन सम टाइम। बट मैंने आईएसआई को ऊपर इसीलिए रखा है क्योंकि उनका एक लेगेसी है, मतलब काफ़ी पुराना है, बैच स्ट्रेंथ बहुत कम है,
तो यार कुछ टाइम तो वो ऊपर रहने वाला है. बट एवरेज सैलरी आई एम कैलकाटा का ज़्यादा था, 25 लाख था. बट आई साई डेली हैज़ बेटर कंपनीज, इट हैज़ UBS, क्रेडिट स्विस, बार्कलेज, हर टॉप कंपनीज, गोल्डमैन सैक्स, आई साई डेली जाती है. ठीक है, जो थर्ड कॉलेज है वो अभी थोड़ा नया उभर के आया है, वो भी ओल्ड आया है. आई एम बैंगलोर ने अपना PGPBA पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम इन बिजनेस एनालिटिक्स स्टार्ट किया. देखो दोस्तों, टॉप कॉलेजेस अपना एनालिटिक्स का MBA प्रोग्राम स्टार्ट कर रहे हैं. आई एम कैलकटा, प्राइवेट कॉलेजेस नहीं, MDI गुड़गांव से हम नहीं, आई एम कैलकटा, आई एम बैंगलोर. बहुत डिमांड है इस फील्ड में. मैं आपको आगे बताऊंगा सैलरीज कितनी होती है इसमें. ठीक है, तो आई एम बैंगलोर का ये थर्ड इंडिया में रैंक कोर्स है PGPBA. इसका प्लेसमेंट फिगर्स मुझे मिला नहीं है, शायद अभी फर्स्ट बैच निकला नहीं है, फर्स्ट बैच निकला है बट इसका प्लेसमेंट फिगर्स एग्जैक्टली मुझे मिला नहीं है. बट आई एम वेरी श्योर कि 20 लाख का एवरेज पैकेज यहाँ मिलेगा. द फोर्थ बेस्ट कॉलेज फॉर एनालिटिक्स इन इंडिया इज SCMHRD. SCMHRD में भी 20 प्लस का एवरेज पैकेज है और अच्छे अच्छे कंपनीज आके यहाँ पे एनालिटिक्स का पैकेज दे रहे हैं. जो फिफ्थ कॉलेज है वो मेरे लिए बहुत स्पेशल कॉलेज है, मेरा यहाँ एडमिशन हुआ था और यहाँ के बच्चे मेरे काफ़ी दोस्त हैं. गोवा में कॉलेज है, काफ़ी अच्छा लाइफ है, स्टूडेंट लाइफ है, कैंपस लाइफ है, गोवा इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट. इसका जो एनालिटिक्स का कोर्स है PG मतलब पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन एनालिटिक्स, 17 लाख से अबव का एवरेज पैकेज है. द फिफ्थ बेस्ट कॉलेज इन इंडिया फॉर मी राइट नाउ फॉर मास्टर्स इन एनालिटिक्स और MBA इन एनालिटिक्स. दोस्तों एनालिटिक्स किन्हें करना चाहिए? एनालिटिक्स दोस्तों उन्हें करना चाहिए जिन्हें एक्चुअली दिन भर डेटा क्रंचिंग करना आए और डेटा के साथ खेलना का मज़ा आए. इसमें कम्युनिकेशन स्किल्स उतनी ज़्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी, बट इफ़ यू नो हाउ टू प्ले विद डेटा, इफ़ यू नो हाउ टू मेक बिजनेस सेंस आउट ऑफ डेटा, इफ़ यू गुड विद स्टैटिस्टिक्स. देखो जो सबसे नंबर वन कोर्स है वो इकोनॉमिक्स का कोर्स है, तो इसमें इकोनॉमिक्स मतलब जिनको क्वांटिटेटिव इकोनॉमिक्स पता है, इकोनॉमिक्स इज ऑल अबाउट मैथ्स, इट्स ऑल अबाउट मर्जर ऑफ बिजनेस एंड मैथ्स इन अ वेरी सिंपल वे. तो आपको नंबर से प्यार होना होगा. आप बस एनालिटिक्स कर रहे हो और आपको नंबर से प्यार नहीं है, डेटा क्रंचिंग से प्यार नहीं है, तो आपके लिए एनालिटिक्स एक टफ जॉब हो जाएगा. पर आपको इससे प्यार है तो इससे अच्छा आपके लिए प्रोग्राम नहीं है, क्योंकि इसमें सैलरीज होने बताया, मैं बताऊंगा. इसमें लोग 4-5 साल में 1-1 करोड़ की सैलरी ले रहे हैं, निकलती 20 लाख हो रहा है. मैंने देखा है दोस्त, आई हैड अ फ्रेंड हु पास आउट ऑफ ISI दिल्ली, निकलते ही 22 का पैकेज लगा, एक साल में स्विच मारा 40 का पैकेज हो गया, दूसरे साल फिर स्विच मारा, उसके बाद एक काउंटर ऑफर लिया, आज के रेट में 2.5 साल में 70 लाख का पैकेज है. क्योंकि इसमें डिमांड बहुत है, सप्लाई कम है. देखो अभी 5 ही कॉलेज है अच्छे, हर कॉलेज में एनालिटिक्स का MBA मिल भी नहीं रहा है. तो अगर आप कोई अच्छा पेडिग्री लेके निकले हो, स्पेशली ISI, I am कैलकटा बैंगलोर से निकले हो, तो बहुत आपका डिमांड होने वाला है. क्योंकि अभी लोगों को यही नहीं पता कि पढ़ाएं क्या, मतलब एनालिटिक्स एक सब्जेक्ट भी मैंने तो नहीं पढ़ा है अपने MBA में. तो इकोनॉमेट्रिक्स एक सब्जेक्ट होता है, जिन लोगों को पता है उन लोगों को पता होगा, इकोनॉमेट्रिक्स जैसी चीज़ें आपको पढ़ना होता है एनालिटिक्स में. तो इस तरह का एक साल का पूरा कोर्स होगा, मतलब ऑफकोर्स MBA के कोर्स सब्जेक्ट्स होंगे मार्केटिंग फाइनेंस, पर एनालिटिक्स से पूरा एक साल का कोर्स होगा. तो ये कोर्स ही अभी इवॉल्व हो रहा है, बुक्स अभी बन रहे हैं, टीचर्स अभी आ रहे हैं, केस स्टडीज़ बन रहे हैं. तो इसमें बहुत डिमांड है, बहुत डिमांड है, सप्लाई अभी उतना इवेपोरेट नहीं हुआ है, मतलब ऐसा सैचुरेट नहीं हुआ है. ठीक है, तो आप को अगर इसमें इंटरेस्ट है तो इससे बेटर टाइम नहीं है, इससे बेटर टाइम नहीं है एनालिटिक्स करने का. आई होप आपका इनमें से किसी कॉलेज में एडमिशन हो, आप मुझसे पूछो मत, एडमिशन ले लो. ऑल द बेस्ट, स्टे सेफ, टेक केयर.